अगर किसी ने ऐसा ऊंचा कटा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो बाद का गरीब बच्चा इस बात की सुनवाई देगा कि वो लोग उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात करने से हमारे लोग को भी डरा सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे तुम्हें? ए सी मेडिकल ए सी जो है उनसे ये कहूँगा कि शाम 6 बजे तक हम टाइम देते हैं। शाम 6 बजे के बाद अगर उन लोगों को हरास न किया गया तो अर्जे से लेके डोली तक और डोली से लेके पुंछ डिवीजन पूरा रावला कोट ये सारा एरिया फिर बंद होगा, फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी और फिर बाद में ये न कहें कि ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर सरदार तनवीर इलिया साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाग के लिए हल्का वस्ती बाग के लिए यहाँ पे कुछ लेने के लिए नहीं आए लोगों, वो कुछ देने के लिए आए, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए आए। और ये लोग जो 40 साल से लोगों को लूट रहे थे, लोगों से खा रहे थे, आज उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि सरदार तनवीर इलियास अगर इलेक्शन जीत गए तो उनकी सियासत दफन हो चुकी है। तो मैं फिर आखिर में सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और इस वाक़े की जो रात को वकुआ हुआ उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़ामत करते हुए उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजम है तो लाजम ही सही। अगर आप चाहते हो कि जंग होना चाहिए तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। वमा अला इन इल्ला बिल्लाह। अभी आप सब लोग जाएं, जिस तरह सरदार ताहिर अकबर साहब ने कहा है, जो इन्होंने बात कर ली, उसके मुताबिक रास्ता खोल दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। बहुत सारी संगियां होंगी, बच्चे होंगे, मुमकिन है कोई एम्बुलेंस हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले 10 दिन में 31 हमले हो चुके हैं। कल हमारा हल्का लचराट मुजफ्फराबाद एक सीनियर लीडर और उसके बेटे पे कातिलाना हमला हुआ, बाप बेटा दोनों शदीद जख्मी है। ये जो यहाँ पे जो हरकत हो रही है ये 31 हमले हो चुके हैं, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करेंगे कि अभी भी बंदे के पुत्र बन जाएं, इस इलेक्शन को होने दें, अवाम को फैसला करने दें कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, अवाम को फैसला करने दें। आप लोग अभी रास्ता खोल लें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। बाकी जो 6 बजे सरदार ताहिर अकबर साहब ने ठीक है भाई साहब। नाजरीन, अल्ले 15 बस्ती बाग हड़ी गल के मुकाम पर तहरीक इंसाफ के कारखानों की तरफ से मेन रोड को बंद किया गया था। मुबैना तौर पर उम्मीदवार कानून साज असम्बली तहरीक इंसाफ हल्का वस्ती बाग तनवीर इलियास ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब तक तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों पर 21 हमले हो चुके हैं। मेन रोड बंद थी, अभी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद मेन रोड को खोला गया है। शाम 6 बजे तक टाइम दिया गया है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। ये मेन रोड बंद होने के मनाजर हैं।